ऑर्केस्ट्रा में डांस करने आएगी तो पछताएगी खुद ही। पैसा देने के चक्कर में जबरदस्ती हाथ पकड़ते हैं, कमर पकड़ते हैं, और छुड़ाने जाओ तो कस के और ज्यादा कस के पकड़ लेते हैं डांस में। आखिरकार कौन कौन से हरकत आपके साथ होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता? किसी का इज्जत भी लूटा जाता है, इस तरह से सामना करना पड़ता है। तो मजबूरी होता है या कि आप लोग शौक से आते हैं काम करने के लिए? हम लोग का मजबूरी भी होता है। हाँ, खेसारी लाल को चाहते हैं। मतलब खेसारी लाल यादव अगर इस वीडियो को देखते हैं तो क्या कहिएगा उनसे? उनमें बहुत अच्छा फीलिंग है, बात करने में भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनसे हम ये बताइए। कभी कभी आप लोग डांस करती हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लड़के जो है हाथ पकड़ लेते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं अपनी ओर, जबरदस्ती करते हैं। नमस्कार, अभी हम लोग पटना में हैं और पटना में हमारे साथ देखिए पहले कौन है। ये एक लड़की है जो ऑर्केस्ट्रा लाइन में काम करती है और कहीं ना कहीं ये उस बात को कहने के लिए हमारे चैनल पर आई है जिस दिक्कत का सामना करती है एक ऑर्केस्ट्रा में काम करते हुए, या किस प्रकार से लड़कियां जो है ऑर्केस्ट्रा लाइन में काम करने के लिए आती है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए, आज हम जानेंगे। और जानने का प्रयास हमारा ये भी रहेगा कि आखिरकार बंगाल से ये लोग कहे के लिए आते हैं बिहार डांस करने के लिए, क्या इनकी मजबूरियाँ होती है, या ये शौक से आते हैं, या इनके परिवार वाले जो है ऐसा मतलब पहले से करते आ रहे हैं, ऐसी क्या सच्चाई है, हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा आपका? प्रिया सिंह। आप ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में काम करती हूँ और डांस भी करती हूँ। कहाँ पे डांस करती है मतलब? स्टेज में। हाँ। स्टेज, टॉली, सब जगह डांस करती हूँ। इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में आने का सबसे पहला कदम जो है किस तरीके से आपने रखा था इसमें? मुझे एक लड़की ला के दिया था। लड़का आपको ला के छोड़ दिया यहाँ पे? लड़की 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 ला के छोड़ी थी। हाँ। उसका नाम निशा था। अच्छा। वो बोले कि चलो तुम्हें वायरल होना है, फिल्म में स्टार बनना है तो डांस करना पड़ेगा वहाँ पे, तो वायरल हो जाओगी। अच्छा। इसी बहाने से मुझे यहाँ बुलाया गया था। मतलब एक लड़की, अब जरा सोचिए कि ये भी एक लड़की है, वो भी एक लड़की थी, और लड़की ने लड़की के साथ बहुत सारे बातें को कह कर और आज हीरोइन का सपना दिखा करके इनको लाकर पटना में छोड़ दी है। कहाँ चल गई छोड़ के? आपको छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। उसके बारे में कुछ आप लोगों ने मतलब मालूम नहीं चला कि कहाँ पे है, क्या करती है, कहाँ है? नहीं, मालूम नहीं है। हाँ, तो मतलब आप मतलब जब छोड़ के चली गई तो उसी वक्त से आप काम करने लगी या कुछ दिन के बाद काम करी, कैसे कैसे क्या हुआ उसके बाद? उसी दिन से काम करने लग गई डांस प्रोग्राम का। हाँ। स्टेज का, जैसे शादी लगन होता है। हाँ। स्टेज में डांस वंस करवाते हैं, कितना बुरी तरह से आदमी भी रहता है वहाँ पे, मतलब बदन में। जब आप स्टेज पे डांस करती हैं, एक मिनट, जब आप स्टेज पे डांस करती हैं उस वक्त जो पब्लिक जो नीचे बैठे होते हैं, आखिरकार कौन कौन से हरकत आपके साथ होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है? बहुत सारा हरकत करता है, कभी इधर पैसा डालते हैं, कभी कमर में हाथ देते हैं, कभी हाथ पकड़ के गोदी में उठा लेते हैं, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आखिरकार ऑर्केस्ट्रा में आने से पहले जो है इस सब का रिहर्सल कराया जाता है या आप लोगों को बोला जाता है कि आपके साथ जो है इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा अगर आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हैं तो? स्टेज में तो डांस तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार वायरल हो जाऊं तो बस, मेरा यही सपना है। हाँ। और यही ख्वाहिश है, और जब मैं आ ही गई हूँ तो थोड़ा सा और मेहनत करके मुझे खेसारी लाल अपना ले तो अच्छा रहेगा, नहीं अपनाएगा तो ज़िंदगी खत्म। कितने दिन से काम करती हैं आप इस लाइन में? ज़्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एक हाँ। एक महीना, एक दो महीना हो गया है। दो महीने से काम करती हैं ऑर्केस्ट्रा में आप? हाँ। तो इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले कुछ भी नहीं करते थे, अपना घर में थे। शादी उदी हुआ था आपका पहले? नहीं, शादी उदी नहीं हुआ था। शादी आपका एक बार भी नहीं हुआ है? नहीं, एक बार भी नहीं हुआ शादी। हाँ। तो अब क्या विचार है, मतलब माने कि अब तो आप ऑर्केस्ट्रा में आ गई हैं काफी दिक्कतों का सामना करते हुए, ये बताइए कभी कभी आप लोग डांस करती हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लड़के जो है हाथ पकड़ लेते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं अपनी ओर, जबरदस्ती करते हैं, वही तो करते हैं। कैसा फील होता है उस वक्त? उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है कि वहाँ से निकल के भाग जाऊँ, कि कुछ कर लूँ, ऐसा मन करता है मुझे। हाँ। ऐसा फीलिंग से होते हैं। तो कैसे मतलब आप लोग को जबरदस्ती लोग हाथ पकड़ते हैं कि आप लोग खुद अपना हाथ उन्होंने के हाथ में देती है? जबरदस्ती उन्होंने हाथ पकड़ते हैं। हाँ। पैसा देने के चक्कर में जबरदस्ती हाथ पकड़ते, कमर पकड़ते,
और छुड़ाने जाओ तो कस के और ज्यादा कस के पकड़ लेते हैं डांस में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लड़कियां मना करती है उसको कई सारे लड़कों जो है मार भी देते हैं। हाँ, थप्पड़ उप्पड़ सब चला देते हैं। बहुत मेहनत कोशिश करने के बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं। तो आखिरकार ऑर्केस्ट्रा लाइन में आप तो काम कर ये रही हैं, और से लड़कियां जो है पगला जाती है कि नहीं मैं ऑर्केस्ट्रा में ही काम करूंगी, मैं बिहार जाऊंगी जॉब करूंगी और जॉब में जो है ऑर्केस्ट्रा जॉब करूंगी, तो क्या कहेगा उन लड़कियों को जो लड़की उतावली होती है बिहार आकर के ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए? ऑर्केस्ट्रा में डांस करने आएगी तो पछताएगी खुद ही। जो खुद ही पछता जाएगी, खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऑर्केस्ट्रा में क्या हो रहा है। बहुत गंदगी हरकत होता है, किसी का इज्जत भी लूटा जाता है, इस तरह से सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि आपको जो है कई सारे लड़के या कोई भी कभी ऐसा आपको बोला गया हो कि आप मेरे साथ चलिए एक रात सोइए या बेड रेस्ट कीजिए, ऐसा कुछ बोला गया आपके साथ? हाँ, बोला गया था। लेकिन हमने मना कर दिया, नहीं हम ऐसा लड़की नहीं है, कोई और लड़की को देखो। क्या आपके सामने ऐसा कभी हुआ है कि किसी लड़की के साथ जो है इस तरह ये लोग किए हो? हाँ, हुआ है। एक लड़की को खींच के ले गया था रूम पे, उसका काम वाम करके छोड़ दिए। हाँ, फिर हमको खींचना चाह रहा था लेकिन हम नहीं गए वहाँ पे। अब देखिए इनकी परेशानी क्या है, और ये अपनी परेशानी इस मीडिया में आकर ब्याह कर रही है। और जितने सारी लड़कियां हैं जिनके अंदर ख्वाब होता है कि मैं हीरोइन बनूं, एक्ट्रेस बनूं और मैं आगे तक जाऊं, मैं इसके साथ काम करूं, उसके साथ काम करूं, तो ये सब आपके मन का मैल है यानी कि भरम है, इस सब को चीज को निकाल के फेंक दीजिए। ताकि मेरे साथ अभी खड़ी हुई जो लड़की है, लड़की ने धोखा दिया। वो लड़की कौन थी जिसके बहकाव में आप पड़ गई थी? निशा नाम थी उसका। नहीं, वो कौन थी, आपके क्या लगती थी वो? ऐसे दोस्त लगते थे। तो कितने दिन का दोस्त थी कि आपको छोड़ के चली गई? ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन हुए थे दोस्ती करने के लिए। मुझे अच्छा लगा उसका बातों में, इसलिए आ गई बहकाबू में। तो लोग जो है लड़के के प्यार में पड़ जाते हैं, आप लड़की के प्यार में कैसे पड़ गई बताइए? हम लड़की के प्यार में ज्यादा पड़ते हैं, लड़का के प्यार में नहीं। लड़का लड़का में इंटरेस्ट नहीं है क्या आपको? नहीं आता है। हाँ, लड़का सब में इंटरेस्ट है नहीं आपको, लड़की सब आपको इंटरेस्ट है? हाँ। इसीलिए उसका बात मान करके आप यहाँ पे चलिए। हाँ। तो आप बताइए, अगर आप किसी लड़के के साथ आई होती तो कहीं ना कहीं उसके साथ आप यहाँ पे रहती, लेकिन जिस लड़की के साथ, जिस लड़की के बात मान के आप यहाँ पे आई, वो तो आपको छोड़ के आज चली गई। कितना लड़का लोग विश्वास नहीं करते, कितना लड़का लोग धोखा होता है, कहीं ले जाएगा कहीं और जगह, मतलब काम वाम करके छोड़ देता है, उसको मर्डर करके फेंक देता है, इसीलिए लड़का ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो अब क्या करना है, अब सारे कामों को छोड़कर, अब तो आप बोल रहे हैं ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करेंगी, तो अब क्या कीजिएगा, अब कौन सा जिंदगी का मतलब आप सामना करने वाली है आगे? हम अपना वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालूंगी, और खेसारी लाल को पसंद होगा तो बुलाएंगे, नहीं पसंद होगा तो नहीं। खेसारी को आप चाहते हैं का? हाँ, खेसारी लाल को चाहते हैं। खेसारी लाल जादू अगर इस वीडियो को देखते हैं तो क्या कहिएगा उनको? वो अगर बुलाएंगे तो चल जाएंगे। मतलब एल्बम में काम करने के लिए आप भी समझे पूरा उतावली हो चुकी है। खेसारी के साथ हमारे एल्बम आए, पवन के साथ मेरा एल्बम आए, कोलू के साथ आए, प्रमोद प्रेमी के साथ आए। नहीं, उनके साथ नहीं, खेसारी के साथ करूंगी। केवल खेसारी के साथ? हाँ। आप ऐसे पहले लड़की है समझिए कि पूरा खाली बोल रहे हैं, हम जब भी करेंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे? हाँ, हम उन्हीं के साथ करेंगे, हम पहला लड़की है। अब देखिए, खेसारी के प्यार में कहीं ना कहीं पगला गई है और बोल रही है कि किसी के साथ मैं वीडियो नहीं करूंगी, जब भी करूंगी तो खेसारी लाल जादव के साथ ही करूँ। आखिरकार का उनका मेंशन लोग पता की उनका तू जहाँ करूँ? उनमें बहुत अच्छा फीलिंग है, बात करने में भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनसे हम मतलब आपको मालूम है कि मतलब आप जानती हैं, विश्वास है कि वो जो एक्टर्स हैं वो मौका देते हैं लोगों को, धोखा नहीं देते हैं। मौका देते हैं, धोखा नहीं देते हैं। और सारे लोग जो है धोखा देते हैं? हाँ, और सारे लोग धोखा देते हैं। अभी प्रिया सुहानी वायरल हुई थी, उस प्रकार से जो है कहने का इनका भी नाम प्रिया है। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए ताकि जो लड़कियां भरम में पढ़ करके ऑर्केस्ट्रा लाइन में काम करने के लिए आती है, इस बात को जान कर कहीं ना कहीं वो ना आए। आपके माता पिता आपको जानते हैं कि आप यहाँ पे आई है? नहीं। उनको मालूम ही नहीं है? नहीं मालूम है कि आप कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ रह रही है? नहीं, खाली मेरा मम्मी है और कोई नहीं। केवल मम्मी है, पापा नहीं है? नहीं, ना पापा है, ना भाई है, ना कोई, सब चचेरा भाई है जो भी है। मतलब मजबूरी होता है या कि आप लोग शौक से आते हैं यहाँ काम करने के लिए? हम लोग का मजबूरी भी होता है। मजबूरी ऐसा है कि मम्मी का ब्लड कैंसर हुआ है। अच्छा।
उसी के वजह से। कौन सा आपका आईडी है चैनल का जो हम लगा देंगे यहाँ, बोलिए। इंस्टाग्राम पे है। क्या नाम है चैनल का? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, केवल प्रिया सिंह है उस पे? हाँ। अब देखिए एक आईडी चल रहा है सामने, इन्हीं का आईडी है इंस्टाग्राम का, आप लोग जाइए उस आईडी को फॉलो कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए, ताकि इनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जैसे उस प्रिया को सपोर्ट किए, उसी प्रकार से ये प्रिया है, इसको सपोर्ट कीजिए और आप लोग लगातार आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग जो है इन लोगों के लिए देवता ही समझिए। तो इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।